हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर 19। ओके, ये है एकोनविंशति। ओके, नवदशा पाठा नहीं बोला जाता है इसको, एकोनविंशति। राष्ट्रभाषा, ओके, आपका चैप्टर 19 है उसमें है राष्ट्रभाषा। ओके, चलिए देखते हैं। प्रत्येकस्मिन् राष्ट्रे एका राष्ट्रभाषा भवति, प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है। यस्यां तत्रत्यं शासनं राजकीय निर्देशादिकं प्रसारयति सैव भाषा राष्ट्रभाषा इति मन्यते, जिससे उस शासन के राजकीय निर्देशों के प्रसार उसी भाषा में हो वही राष्ट्रभाषा मानी जाती है। सर्वत्र एव तद्देशीय भाषा राष्ट्रभाषा पदं भवति, सभी देश में सभी जगह भी जो है उस देश की भाषा राष्ट्रभाषा की तरह मानी जाती है। भारतीय तु अत्यावधि न कापि एतद्देशीय भाषा राष्ट्रभाषा समृद्धोस्विता, परंतु विदेशीय भाषायाम एव सर्वम राजकीय कार्यम प्रचलति सैव राष्ट्रभाषा पदम भजत इति महति विडम्बना। भारत में आज तक कोई भाषा राष्ट्रभाषा उद्घोषित की गई है, परंतु विदेशी भाषा में ही सब राजकीय कार्य प्रचलित है। राष्ट्रीय भाषा का यह उपहास ही है। विश्वस्मिन् विश्वे कुत्रापि नेतृत्वी व्यवस्था अस्ति, इस विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ओके, इस विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यद्यपि सर्वत्र व प्रायः हिंदी भाषा निर्बाधम प्रसरति, यद्यपि सभी जगह हिंदी भाषा बिना बाधा के फैल रही है, तदापि किंचित क्षुद्र विचार परिपूर्ण जना देशे दक्षिणोत्तर भेदम कुर्वन्तो विधन्ति हिंदी भाषाय विरोधम च कुर्वन्ति। यद्यपि सभी जगह हिंदी भाषा बिना किसी बाधा के फैल रही, तब भी क्या है, कुछ छोटे विचार से पूर्ण लोग देश में उत्तर दक्षिण को भेद करते रहते हैं और हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। तत्वावधाने ते जनाः दक्षिणतः पूर्वं प्रति प्रेषणाय प्रसारिताः भवन्ति, यथा केचन जनाः मुंबई नगरात् जनाः पलायनं कुर्वन्ति। उस संदर्भ में लोग दक्षिण से पूर्व के प्रति गलत प्रचार करते हैं, जैसे कुछ लोग मुंबई नगर में लोगों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देशे सर्वाधिक जनाः यस्यां भाषायां भाषन्ते सैव भाषा राष्ट्रभाषा भवति इति तथ्यं विचार्य स्वर सर्वकारेण, यद्यपि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा समुद्घोषिता, परंतु तदनंतर केषाञ्चित् विरोधम् संलक्ष्य सर्वसंतुष्टि तत्परेण तेन आंग्लभाषा सहयोगिनी भाषा इति समुद्घोषिता। ओके, देश के सर्वाधिक लोग जिस भाषा को जानते हैं, देश के सभी लोग जिस भाषा को सर्वाधिक जानते हैं वह जो है राष्ट्रभाषा होती है। वह तथ्य विचार कर सभी कारणों से यद्यपि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा घोषित हो गई है, परंतु फिर भी कुछ विरोधों के कारण और सबकी संतुष्टि के कारण अंग्रेजी भाषा को सहयोगी भाषा घोषित किया गया है। संप्रति सर्वमेव राजकार्यम तस्मामेव तस्यामेव प्रचलति, आज भी सभी राजकार्य उसी में प्रचलित है। स्वीय गृह एवं वरा की हिंदी भाषा न स्वयं पदम प्राप्नोति, अपने ही घर में बेजारी हिंदी भाषा अपना पद नहीं पा सकी है। न स्वतंत्रय बहुभिः अल्पैरपि देशै स्वदेशीया एव भाषा राष्ट्रभाषा समुद्घोष्य तासु सर्वमेव कार्यं प्रचालितं, परन्तु दौर्भाग्यात् देशेस्मिन् सम्प्रति विगते व्यापी अनेक वर्षेषु विदेशी भाषा एव राष्ट्रभाषा पदे स्थितः अस्ति। नए स्वतंत्र बहुत से छोटे देशों ने भी अपनी देश की भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित किया है, उसी में सभी कार्य प्रचलित होते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इस देश में आज भी पिछले अनेक वर्षों से विदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा के पद पर स्थित है। जो हिंदी भाषा जानते हैं स्थित है, यतो हिंदी भाषा जानन, जो हिंदी भाषा जानते हैं तैव व्यवहारन जनः सर्वस्मिन्नेव भारते निर्बाधम भ्रमण स्वयं कार्यम साधयति, वे वैसा ही व्यवहार लोगों से भी सभी जगह भारत के बिना रुकावट के अपना कार्य करते हैं। नहि तत्कृते भाषा भिज्ञता मूलको मूलकम किमपि काठिन्यम कुत्रापि जायते, भाषा से संबंधित रुकावट कोई कठिनाइयां कहीं नहीं होती।
पूर्व पश्चिम में दक्षिण उत्तरे व भारतीय स्वानुभवती हिंदी भाषा सार्वत्रिकम प्रसारम। पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण हिंदी भाषा सर्वाधिक फैली हुई है ना, सभी जगह चारों दिशाओं में ये फैली हुई है। नहीं हिंदी सदृशा निर्वाध प्रचार प्रसार कापि अन्य प्रांतीय भाषा अस्ति, हिंदी जैसा प्रचार प्रसार किसी अन्य प्रांतीय भाषा में नहीं है। भारतस्य अर्धादपि समधिकाया जनताया एवमेव भाषा मातृभाषा वर्तते, भारत के आधे से अधिक जनता इसी भाषा को मातृभाषा मानते हैं। आधुनिक कालीनम सर्वविधम सर्वाधिक कंचम साहित्यम हिंदी भाषायाम रचितम एवं विद्यते, आधुनिक काल में सब प्रकार से सर्वाधिक साहित्य हिंदी भाषा में ही रचे जाते हैं। सर्वेषामेव प्रांताम प्रांतानाम निवासिनः हिंदी भाषायाम साहित्यम सृजन्तो विदुषां मनांसि रंजयन्ति, हिंदी भाषायाम गौरवम च प्रकटी कुर्वन्ति, सभी प्रांतों के निवासी हिंदी भाषा के साहित्य को निर्माण करके विद्वानों के मन में बसकर हिंदी भाषा के गौरव को प्रकट करते हैं। अतो बहुत मता नुयायिनः सर्वकार्यस्य सर्वप्रथमं इयमेव कर्तव्यं यत् यां सर्वाधिकाः जनाः उच्चार्यन्ति, बहुत से मतों के अनुयायी का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि सब जगह व्यवहार में लाएं यथा च सर्वत्र व्यवहारयन्ति तामेव सर्वविध कार्येषु सक्षमां सर्वाधिक प्रचलिता लोकहिता हिंदी भाषा में समुपजीव विधातुं सर्वाणि कार्याणि येन अर्थलाभेन सह स्वाभिमान लाभो अपि भवेत् भारतीयानां कृते। ये क्या बहुत से मतों के अनुयायी सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि सब जगह व्यवहार में इसको लाएं, उसे ही सब प्रकार से सर्वाधिक प्रचलित लोकहित में हिंदी भाषा को ही मानकर सारे कार्य उसी में करें, जिससे धन लाभ के साथ स्वाभिमान लाभ भी भारतीयों के लिए हो सके। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये राष्ट्रभाषा हमारी क्या है इस बारे में था, है ना, कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को किस तरीके से स्थान दिया गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार फिर से रिपीट करिएगा अपने घर पे। ओके, अभी के लिए थैंक यू।